हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का। वैसे WWE ने इस बार इस एपिसोड के लिए कुछ भी बड़ा अनाउंस नहीं करा है, बट इस एपिसोड के लिए फॉर्मर रॉक के सुपरस्टार यानी कि रोमन रेंज ने अपनी वापसी का ऐलान करा है। अब देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। तो लास्ट वीक हमें एलेक्सा ब्लिस ने उन सभी चार फीमेल सुपरस्टार के नाम बताए थे जो वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में पार्ट लेने वाली हैं, जिसके बाद हमें नायोमी और ब्लिस के बीच मैच भी दिखाई दिया था। आने वाले रॉक के इस एपिसोड में हो सकता है कि इन सभी वुमेन्स के बीच हमें एक टैग टीम मैच दिखाई दे, जहां चारों अपनी पावर एक दूसरे को दिखा सकें। और टीम यहां टेंपरेरी होंगी, क्योंकि मनी इन द बैंक में इन सभी को एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। अब बात आती है टैग टीम डिवीजन की। तो लास्ट वीक उसोस ने रिवाइवल का शेव करता हुआ वीडियो दिखाया था, जिससे ये तो साफ है कि आने वाले एपिसोड में इन दोनों टीम के बीच कुछ ना कुछ तो भिड़ंत हमें दिखने वाली है। वहीं मनी इन द बैंक पीपीवी नजदीक है और अभी तक रॉ टैग टीम चैंपियंस के लिए अपोनेंट अनाउंस नहीं हुए हैं, तो आने वाले इस एपिसोड में मे बी इस बात का ऐलान हो जाए। या पॉसिबल ये भी है कि हमें मनी इन द बैंक पीपीवी में रॉ टैग टीम चैंपियंस के खिलाफ एक से ज्यादा टीम भी उतरती दिखाई दे रॉ की तरफ से। वहीं लास्ट वीक हमने देखा था कि समोआ जो वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच US टाइटल को लेकर रीमैच दिखाई दिया था, जो कि रेसलमेनिया 35 का रीमैच था। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा था, बट इस मैच में समोआ जो टाइटल हार गए थे और न्यू US चैंपियन रे मिस्टीरियो बन गए थे। वहीं WWE ने ऐसा करके स्मैकडाउन में चल रही फ्यूड को रॉ में पे भी आगे बढ़ाया है। काफी हद तक चांसेस हैं कि इस एपिसोड में समोआ जो रे मिस्टीरियो पर अटैक कर सकते हैं या उनके सामने आके कुछ कन्फ्रंट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच हमें मनी इन द बैंक पीपीवी में भी शायद मैच दिख सकता है इस टाइटल के लिए। अब बात आती है डुअल चैंपियन बैकी लिंच की। तो लास्ट वीक में उन्होंने आके अपने प्रोमो में लेसी वन और चार्लेट फ्लेयर को निशाना बनाया था, जिसके बाद लेसी ने एंट्री करी और इन दोनों के बीच बुरी तरह मारदार दिखाई दी थी। वहीं आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि लेसी एवन का मैच हमें किसी और वुमेन सुपरस्टार के साथ दिखाई दे, जहां बैकी लिंच आके दखल दें और उनके मैच को बर्बाद करें। या बैकी लिंच का मैच हमें रॉक के इस एपिसोड में किसी और वुमेन सुपरस्टार के खिलाफ दिख सकता है, जिस मैच को आके लेसी इवान बर्बाद कर दें। अब बात आती है मिस की। तो लास्ट वीक उन्होंने मिस टीवी पे गेस्ट के तौर पर बॉबी लैशले को बुलाया था, जहां इन दोनों के बीच मारधाड़ देखने को मिली थी और इसके बाद इन दोनों के बीच हमें एक मैच भी दिखाई दिया था। मिज ने इस मैच में जीत के काफी करीब थे, बट शेन मैकमैन की एंट्री हुई थी। अभी तो बात साफ है कि मिज और लैशले की फ्यूड मनी इन द बैंक पीपीवी के बाद कंटिन्यू होती दिखेगी, बट उससे पहले इस एपिसोड में हो सकता है कि ये दोनों फिर से आमने सामने आए और मे बी मिज इस एपिसोड में शेन मैकमैन को बुरी तरह धुलाई कर डालें। वही लास्ट वीक हमें मेंस लेटर मैच के पार्टिसिपेंट के बीच टैग टीम मैच दिखाई दिया था, जिसमें एक साइड ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे और दूसरी साइड कॉर्बिन और ड्रू मैकइंटायर थे। ये टेम्परेरी टीम थी केवल इसी मैच के लिए। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर मैच छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो कॉर्बिन से नाराज थे। तो आने वाले इस एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर इस नाराजगी को जाहिर कर सकते हैं बैरन कॉर्बिन पर अटैक करके, और उम्मीद है कि ये चारों आपस में इस एपिसोड में बढ़ते नजर आ जाएं, क्योंकि लेटर मैच में इन सभी को एक दूसरे के खिलाफ ही तो लड़ना है। वहीं मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि रोमन रेंज ने इस एपिसोड में आने की बात ट्वीट के जरिए कही थी, जिसके बाद WWE ऑफिशियल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि वो इस एपिसोड में नहीं दिखने वाले हैं। जिसके बाद रोमन रेंज ने फिर एक ट्वीट करा और कहा कि मेरा म्यूजिक रेडी है और मैं रात 8 बजे रॉ पर चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह के ट्वीट से हो सकता है WWE इस एपिसोड को लेकर एक हाइप बना रही हो और मे बी वो रियल में आ जाए इस एपिसोड में। अब देखते हैं कि रोमन रेंज इस एपिसोड में क्यों दिखने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंज स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिए गए हैं और रॉ पर उनकी किसी से भी फ्यूड अभी नहीं चल रही है। वहीं लास्ट वीक हमें सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन दिखाई दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच मारा मारी भी दिखाई दी थी और लास्ट में सेथ रॉलिंस को एजे स्टाइल्स ने रिंग में ढेर कर डाला था। अब आने वाले इस एपिसोड में मे बी सेथ रॉलिंस इस बात का बदला एजे स्टाइल्स से लेते हुए नजर आ जाएं, और काफी हद तक उम्मीद है कि मनी इन द बैंक पीपीवी में होने वाले मैच में कौन सा सुपरस्टार हील बनेगा, शायद WWE इस एपिसोड में ही फैंस को दिखा दे कि कौन हील बनने वाला है। जैसा कि WWE ने तीन बड़े लेजेंड सुपरस्टार की वापसी का ऐलान सऊदी अरेबिया के इवेंट के लिए कर दिया है, जिसमें से मे बी किसी लेजेंड्स की वापसी दिख जाए इस एपिसोड में, बट मुझे लगता है कि इन लेजेंड्स की वापसी मनी इन द बैंक पीपीवी से पहले शायद नहीं होने वाली है, और हो सकता है कि इस पीपीवी में किसी की वापसी देखने को मिली जाए। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉक का प्रीव्यू वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।